अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जरगाम और आप देख रहे हैं साइंटेक ऑफिशियल। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज मैं लाया हूँ एक और टूर, और आज हम टूर करेंगे ओप्पो के ऑफिशियल स्टोर्स का। और ओप्पो का जो पाकिस्तान स्टोर है उसकी ये करंट वेबसाइट है जिसका होम पेज मैंने ओपन किया हुआ है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर ओप्पो की वेबसाइट से आप कुछ परचेज करना चाहते हैं आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो ये एक इसका मेन होम पेज है जिसमें इनकी करंट प्रोडक्ट्स और इनकी सर्विसेज हैं। तो हम बारी बारी सब देखते हैं कि स्मार्टफोन इनकी कुछ कैटेगरी है जिनमें स्मार्टफोन, IoT प्रोडक्ट्स, अबाउट ओप्पो, कलर OS सपोर्ट, स्टोर लोकेटेड। अगर आप स्मार्टफोन्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि हमारी फाइंड एक्स सीरीज, वेनो सीरीज, एफ सीरीज और ए सीरीज जो फ़ोन इनके करंटली अवेलेबल हैं, जो फ़ोन इनके यहाँ अवेलेबल होंगे वही फ़ोन पाकिस्तान में इस वक्त पिन पैक अवेलेबल होंगे। तो ये इनके फ़ोन अवेलेबल हैं इस टाइम। उसके बाद IoT प्रोडक्ट्स में इनकी इनके जो हैं वो एयरबड्स हैंड फ्री, चलिए ऑल IoT प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स में क्या क्या हैं, इसमें इनकी वेयरेबल्स भी हैं, मीन इनकी वॉच है ओप्पो पेन स्टाइल और ओप्पो वॉच हैंड फ्री हैं। वेयरेबल में ये दो वॉचेस हैं। अच्छा, इसके बाद अबाउट ओप्पो में आवर स्टोरी, डिस्कवर और न्यूज़ जो हर कंपनी अपनी वेबसाइट पर डालती है अपने बारे में। उसके बाद इनकी टैब है कलर OS। तो कलर OS की एक पूरी अलग इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें ये बता रहे हैं कि हमारे कलर OS में क्या क्या है, PC से कैसे कनेक्ट करना है, प्राइवेसी कंट्रोल और उसका सारा डिटेल्स। अच्छा, ये उसका एक ओवरव्यू है इनके कलर OS का कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या न्यू फीचर्स हैं जो न्यूली अवेलेबल है। उसको कंटिन्यू पर अगर क्लिक करते हैं तो ये कहीं नहीं लग जाता, ये यहीं पर रहता है। अच्छा, तो इसमें ये है कि ऑल फीचर्स में ये क्या क्या दे रहे हैं, उसमें सारे फीचर्स बताए हुए हैं कि कौन कौन सी इनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, इस कलर OS में। उसके बाद ये जितनी भी गैलरी के वॉलपेपर्स हैं उसको डाउनलोड करने की ऑप्शन दे रहा है, कलर्स और एंड्रॉयड को रीड करने की ऑप्शन दे रहा है। ये देखना चाह रहा हूँ कि एक डाउनलोड भी कर सकते हैं कि नहीं, तो हम इसको बैक करते हैं, क्लाउड सर्विस है। अब ओप्पो पे क्लिक करेंगे तो ये ओप्पो की डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाएगा। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू था कलर OS का, कोई ऐसे डाउनलोड की ऑप्शन नहीं थी। आप सपोर्ट पे जाएंगे तो सपोर्ट में ये आपको सपोर्ट का एक टैब है, वारंटी स्टेटस का एक टैब है, सर्विस सेंटर का एक टैब है, स्पेयर पार्ट्स का एक टैब है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, यूज़र गाइड्स, व्यू ऑल सर्विसेज भी है और कॉन्टैक्ट अस भी है। चलिए हम ये सारे टैब ओपन कर लेते हैं। वी ऑल सर्विसेज में ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, आफ्टर ऐप मार्केट है, फाइंड माई ओप्पो फोन वारंटी, गेम स्पेस, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे ख्याल से सेम ही टैब है जिसमें सारा कुछ है। खैर, इसमें ये ऑथेंटिक वारंटी चेक, स्पेयर पार्ट्स की प्राइस, सर्विस सेंटर, वारंटी पॉलिसी, यूज़र गाइड, सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर क्लिक कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि मेरे को फाइंड एक्स है तो मैं फाइंड एक्स पर क्लिक करता हूँ तो अगर अच्छा, ये अच्छी चीज़ है कि इनका डाउनलोडेड वर्जन पड़ा हुआ है फॉर्मवेयर का ओरिजिनल, आप उसको वैसे भी डाउनलोड करके अपने PC पे अपलोड कर सकते, अपने फ़ोन पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ओप्पो नोकिया की तरह, जैसे नोकिया किसी दौर में दिया करता था ऑनलाइन अपना सॉफ्टवेयर, कि अगर आप के फ़ोन से आपका सॉफ्टवेयर स्वैप हो गया या बिल्कुल ही डिलीट हो गया तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये फर्मवेयर इसके तमाम तकरीबन मॉडल्स का है, आई होप वॉचेस का भी होगा। तो ऑथेंटिसिटी में आप में यहाँ पे अपना IMEI नंबर देंगे और अपने फ़ोन की वैलिडिटी कर सकते हैं कि वारंटी कितनी रहेगी। उसके बाद सर्विस सेंटर्स, ओप्पो की इन्होंने लोकेशन दी हुई है कि इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ पर इनके सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं। तो हम अपना सिटी कोई भी सिलेक्ट करके अपनी, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद, उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड भी करा सकते हैं। तो ये तारा इस्लामाबाद ओप्पो सर्विस सेंटर जो है वो है ब्लू एरिया के अंदर जीना एवेन्यू में,
उसकी ओपनिंग लोकेशन है, ओपनिंग टाइमिंग है और उसका फ़ोन नंबर है। एक अच्छी चीज़ है कि फुल डिटेल्स इन्होंने अपने सर्विस सेंटर की प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद स्पेयर पार्ट्स आप अपने फ़ोन का देना चाहें, फॉर एग्जांपल मेरा कोई सेल फ़ोन है, उसका स्पेयर मॉडल मेरा है रेनो थ्री ओप्पो, इसमें मुझे बता रहा है कि ये मैं अगर स्क्रीन डलवाना चाहता हूँ तो इतने की है, स्पीकर मेन बोर्ड 32,000 का है और बैटरी 5,500 रुपये की है। और हर प्रोडक्ट की मतलब हर हार्डवेयर के पार्ट की इन्होंने प्राइसिंग दी हुई है, जो कि बहुत कम वेंडर कंपनीज, ओईएम या वेंडर कंपनीज जो फ़ोन की मैन्युफैक्चरर्स हैं वो देते हैं। इन्होंने डायरेक्ट प्राइस दी हुई है कि आप इस, ये हमारी क्लेम प्राइस है, इसमें आप अपना फ़ोन रिपेयर करा सकते हैं। सर्टन पार्ट्स जैसे कैमरा है या जो भी बोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, वाइब्रेशन मोनिटर है, रिसीवर है, स्पीकर है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसके लिए आप अपने फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सर्विस सेंटर ले जाता है, वही अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड करा देगा। इसके बाद यूज़र मैनुअल है, उसके बाद एक्सेसरीज है, ओप्पो वॉच, ये यूज़र गाइड हैं हर ओएस के जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मोस्टली लोग पढ़ते नहीं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई फीचर ढूंढना है तो। कॉन्टेक्ट अस में वो बता रहे हैं, इन्होंने सर्विस सेंटर की लोकेशन की ऑप्शन भी दी हुई है, इन्होंने अपने सोशल हैंडल्स भी दिए हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स, इन्होंने अपनी ईमेल भी दी हुई है अपना, और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब अगर सर्विस सेंटर पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं, ये वही वही लोकेशन वाली जगह आ गई। यहाँ पे आप अपना सिटी डाल के उससे नियरेस्ट जो है सर्विस सेंटर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाब में हैं और हम फॉर एग्जाम्पल मुल्तान रहते हैं, मुल्तान पे क्लिक करते हैं तो बता रहा है कि मुल्तान में बोसन रोड पे अपर ग्राउंड फ्लोर बिजनेस सिटी ए हॉल नंबर 67 प्लाजा बोसन रोड मुल्तान, इधर इनका सर्विस सेंटर है, उसकी लोकेशन भी है ये। तो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये चेक करते हैं कि अगर हम कोई स्मार्टफोन या कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो क्या हम इधर से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं कि नहीं। हम इस पे क्लिक करते हैं ओप्पो फाइंड एक्स टू पे। उसके बाद ये बता रहा है कि इसकी स्पेक्स, इसकी वारंटी, फॉर एग्जाम्पल हम वारंटी पे क्लिक करते हैं तो टैब ओपन नहीं हो रही, इसका वीडियो कैमरा स्पीड कलर और सर स्पेक्स वारंटी, तो यहाँ पे बाय नाउ की ऑप्शन टॉप पे आ रही है। तो हम जस्ट चेक करते हैं कि हमने अगर प्रोडक्ट परचेज करनी है तो हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमें बुक ऑनलाइन पे ले जाता है। बुक ऑनलाइन में ये कैश ऑन डिलीवरी भी दे रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है इतनी बड़ी प्रोडक्ट पे। तो उसके बाद अपनी क्वेरी यहाँ फिल करके अपनी प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था एक बड़ा एक्सपेंसिव स्मार्टफोन। हम एक छोटी सीरीज ओप्पो की जैसे F17 है, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसको ऑनलाइन अगर परचेज करते हैं उसका कोई सेपरेट मेथड है या फिर आप ये इसी मेथड को ही फॉलो करते हैं। तो हम बाय नाउ पे दोबारा क्लिक करेंगे और इसका भी सेम ही मेथड है। तो ये सिंपल सा मेथड है, ऐसे आप फ़ोन बुक कर सकते हैं। प्रॉबेबली ये है कि आप जब फ़ोन बुक करेंगे या कोई प्रोडक्ट बुक करेंगे तो आपको हेल्प सेंटर वाले कॉल करेंगे या आपको कोई मार्केटिंग ईमेल आएगी कि आप यहाँ से हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं या आपकी बुक हो गई। अब वो आपसे बुकिंग डिटेल्स लेके आपको ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे। ऑब्वियसली उनका कोई हेल्प सेंटर का बंदा ही आपसे रब्ता करेगा। इसके अलावा हम फिर ओप्पो के होम पेज पे जाते हैं और हम देखते हैं कि और क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ओप्पो अपने कुछ इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैं बता रहे हैं कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ओप्पो यूनिवर्स। उसके बाद स्मार्टफोन की एक सीरीज है, उसके बाद आईओटी प्रोडक्ट्स की सीरीज है, बाकी सारा कुछ वही है। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का एक पोर्टल है, बाकी वही हॉटलाइन और ईमेल की डिटेल है, इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है इस वेबसाइट पे। तो ये थी आज की वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से एक दो पहले फिर कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।